देश में साधु संतों पर हमले बढ़ गए हैं। ऐसे में बढ़ रहे हमलों से साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने अपनी गहरी चिंता जताई है। राजस्थान में एक मंदिर के पुजारी की जलाकर हत्या किए जाने के बाद यूपी के गोंडा जिले में पुजारी को गोली मारे जाने की घटना से संत समाज में नाराजगी है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने राजस्थान में पुजारी की जलाकर हत्या और यूपी के गोंडा में मंदिर के पुजारी को गोली मारे जाने की घटना की निंदा करते हुए दोषियों पर कठोर कार्रवाई और धार्मिक स्थलों और मठ मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि ये घटनाएं स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के चलते होती है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ऐसे मामलों की जानकारी जब थाने या फिर दूसरे संबंधित विभागों में पहुंचे तो समय रहते ही मामलों का त्वरित निस्तारण करा दिया जाए तो ये घटनाएं शायद ना हो पाए, लेकिन स्थानीय पुलिस और प्रशासन की लापरवाही के चलते ऐसी घटनाएं होती है जो बेहद चिंताजनक है। राजस्थान के एक जनपद में एक संत को जला करके हत्या कर दी गई तरीके से लगातार, इसके पहले पालघर में भी हुई, क्या मानते हैं? देखिए, पालघर की घटना तो निंदनीय है, इतनी निंदा की उतना कम है। जहां तक पुजारी की जला के हत्या का मामला संज्ञान में आया है, कुछ जमीनी विवाद को लेकर आया हुआ है। मैंने पहले भी कहा था कि सरकारें किसी की भी हों, जहाँ धार्मिक स्थल हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि ऐसे मामले तमाम संज्ञान में आते हैं जहाँ पे जमीनी विवाद को लेकर के, मठ मंदिर के विवाद को लेकर के हत्याएं हुआ करती हैं। तो उसको रोकने का एक तरीका है कि आसपास के थानों को सुनिश्चित किया जाए कि जब भी जितने मठ मंदिर हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए और ध्यान रखा जाए, अगर कोई विवाद थोड़ा बहुत है तो उसे तुरंत सुलझाया जाए। ये विवाद आज का नहीं होता, ये विवाद पहले का होता है, लेकिन उसको सुलझा नहीं पाते हैं। यदि किरौली ज़िले के पुलिस अगर चाहती थी ये घटना घटित नहीं होती, लेकिन लापरवाही से घटना घट गई। अगर पुजारी की हत्या हुई है, जला के हत्या हुई है, तो इसकी सूचना तो पहले ही मिली होगी, यहाँ विवाद चल रहा है, तो क्या आपने सुरक्षा दी वहाँ? नहीं दी। तो राजस्थान सरकार से हम यही मांग करते हैं कि जाँच की जाए, दोषियों को दंड दिया जाए। जहाँ तक राजनेताओं का सवाल है, राजनेता लोग वहीं जाएंगे जहाँ पर उनकी रोटी सिकती दिखेगी। वहीं इशारों में ही महंत नरेंद्र गिरी ने सियासी दलों पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में राजनेताओं अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेकें। हाथरस में ये घटना हम सब ने निंदा की है, लेकिन जितना विपक्ष वहां पे वार किया वो गलत है। घटना राजस्थान की निंदनीय है। इन सब को देखते हुए हमारा इतना कहना ये है कि राजनेता अपनी रोटी सेकने के लिए इन मुद्दों को न उठावें, मुद्दा उठावें विकास का। ये मुद्दा वहाँ के लोकल प्रशासन, सरकार, पुलिस देखती है और वो जो अपराधी है उसको दंड दिया जाएगा। इतने होता है। आज भी हम भी मांग करते हैं आपके माध्यम से कि राजस्थान घटना में दोषी, हाथरस घटना में जो दोषी, उनको दंड दिया जाए। बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद के राम जानकी मंदिर के पुजारी बाबा सम्राट दास को जमीनी विवाद में गोली मार दी गई। पुजारी सम्राट दास को गंभीर हालत में लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। वहीं मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट।